में उठते ही ये विचार, मैं ईश्वर की संतान हूं, कितना बड़ा गौरव है। ईश्वर से महान तो कोई है ही नहीं संसार में, कोई किसी राष्ट्रपति, किसी प्रधानमंत्री, किसी उद्योगपति की संतान होने का गौरव अनुभव करता है। मैं इतने बड़े बाप का बेटा हूं, मैं सारी दुनिया का जो मालिक है उस बाप का बेटा हूं, उस माँ जो सारे जगत की माँ है, उस जगत माँ का, उस जगत पिता का, उस जगत गुरु का, उस परम गुरु का मैं शिष्य, मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं धरती माता की संतान हूं, मैं ऋषि ऋषिकाओं की संतान हूं। ये गौरव ही अपने हृदय में होता है तो स्वयं ऋषित्व और देवत्व में हम आरोहण पाने लगते हैं। पहले उंगली माथे पर, शेष तीन उंगली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, अपने उन्हीं पूर्व ऋषि ऋषिकाओं की तरह हमें समाधि लगानी है। मुख बंद, ओंकार का नाद आज्ञा चक्र में मन को टिकाते और आज्ञा चक्र से पूरे सृष्टि चक्र में उसी भगवान के विश्वमय और विश्वातीत रूप को अनुभव करते हैं। प्रभु तू ही तू, सब में तू ही तू है प्रभु। कान अंगूठी से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, आंखें बंद, मन सहज, उद्गीत प्राणायाम, लंबा गहरा श्वास भरेंगे।
मौन हो जाते हैं, श्वासों पर ही मन को टिकाते हैं। मौन ध्यान, पूरी नीरवता में, एकाग्रता में, अपनी निजता में, अपने ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप, अपने ज्ञानमय प्रेममय पुरुषार्थमय परमार्थमय सुखमय शांतिमय आनंदमय ऐश्वर्यमय स्वरूप में प्रतिष्ठित हो। श्वासों के साथ अपने स्वरूप में, अपनी निजता में, अपने भीतर की दिव्यता पूर्णता में प्रतिष्ठित हो जाते। श्वास प्राण माध्यम है, अपने भीतर की पूर्णता में प्रतिष्ठित होने, आत्मा की पूर्णता, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण संवेदना, पूर्ण पुरुषार्थ, पूर्ण सुख, पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद, पूर्ण ऐश्वर्य, पूर्ण दिव्यता, यह हमारी आत्मा की मूल प्रकृति, मूल स्वभाव, मूल स्वरूप, और आत्मा का भी आधार वो परमात्मा। इसलिए प्राणों के साथ प्रणव ओंकार ब्रह्म का चिंतन, भगवान की स्तुति प्रार्थना उपासना करते, इसको सविचार ध्यान कहते हैं। सविचार ध्यान, सविचार समाधि समापत्ति, सगुण ध्यान, भगवान के विश्वमय स्वरूप का चिंतन करना। श्वासों के साथ मन को टिकाया, फिर मन को एक स्थान विशेष पर टिका देते हैं, आज्ञा चक्र में या हृदय चक्र में, जहां जिसको अनुकूलता हो। यदि व्याधि विशेष हो, देह में दुर्बलता हो, इनफर्टिलिटी हो, या और कोई भी शारीरिक दुर्बलता, ब्रह्मचर्य की अल्पता, तो मूलाधार चक्र में ध्यान को लगाना। रिप्रोडक्टिव एक्सक्रेटरी सिस्टम की कोई प्रॉब्लम है तो मूलाधार या अधिष्ठान चक्र में ध्यान लगाना। मधुमेह या कोई और उदर रोग है, किसी भी तरह के पाचन तंत्र से संबंधित रोग है, तो मणिपुर चक्र में ध्यान लगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम की कोई प्रॉब्लम है तो फेफड़ों के बीच में, ये हृदय चक्र है, दोनों ही फुफ्फुस तंत्रों के बीच में, दोनों स्तनों के बीच में जो बीच का स्थान है, एक फिजिकल हार्ट है, ये हृदय चक्र है, यहाँ पर मन को टिका। रेस्पिरेटरी सिस्टम या हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम है तो हृदय तंत्र में, थायराइड आदि की कोई प्रॉब्लम है, स्नोरिंग, स्लिप एपनिया या थ्रॉट इन्फेक्शन या टॉन्सिल आदि की, तो विशुद्धि चक्र में ध्यान लगाना। मेधा शक्ति कमजोर है तो आज्ञा चक्र में ध्यान लगाना। दिव्य प्रज्ञा का विकास करना है तो बिंदु चक्र में, भ्रिकुटी में ध्यान लगा। दोनों भ्रुवों के मध्य आज्ञा चक्र है, उससे थोड़ा ऊपर जहां बिंदिया लगाते हैं वहां ये भ्रिकुटी चक्र है, बिंदु चक्र है, जहां बिंदी लगाते हैं। और जहां शिखा होती है सहस्रार है, केवल मेरा आराध्य तो एक ब्रह्म ही है, ब्रह्म निष्ठा गहरी हो गई है, अब कोई कामना कोई संकल्प शेष नहीं रहा है, तो ब्रह्म काम हो गया।
आप तक काम हो गए, आत्म काम हो गए। एक चक्र विशेष में मन को टिकाया, इसको धारणा कहते हैं। धारणा देश बंधस्य तस्य धारणा, तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम तदैव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम समाधि त्रयम एकत्र संयमाः तज्जयात् प्रज्ञालोकाः तस्य भूमिषु नियोगः प्रातिभादवा सर्वम्। एक स्थान पर जब मन को टिका देते हैं तो उसे अपने आप धारणा के बाद ध्यान समाधि संयम प्रज्ञालोक प्रातिभ अपने आप फिर ईश्वर की शक्तियां दैवी शक्तियां अपना काम करना शुरू कर देती हैं और भगवान के विश्वमय विश्वातीत स्वरूप में खोते चले जाते। इसी को स्वाध्यायात योगमासीत योगात स्वाध्याय मामनीत स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाश। कोई भी स्वरूप ध्यान में आए तो उसमें ब्रह्म का ही स्वरूप अनुभव करो। इसको कहते हैं विश्व रूप, प्रभु का दर्शन करना, विश्वमय रूप में प्रभु का दर्शन करना। सब स्वरूपों में एक ब्रह्म का ही स्वरूप है क्योंकि सबके रचयिता वही विधाता पिता परमात्मा, सारी रचना के रचयिता प्रभु तो ही। सब स्वरूपों में ब्रह्म स्वरूप, सब संबंधों में ब्रह्म संबंध, सब सुखों में ब्रह्म सुख, सब सफलताओं में उपलब्धियों में विजय में ब्रह्म की ही सफलता, ब्रह्म ही की विजय, ब्रह्मणो है विजय। केनोपनिषद में प्रश्न किए गए कि और अंत में समाधान दिया कि ब्रह्म की विजय में ही अपनी विजय मानो। ये सारी बुद्धि, ये सारी संवेदना, ये सारी शक्ति सामर्थ्य सारा ईश्वर प्रभु का ही है, उसी का स्वीकार करो, अपना मन मानो। सब सफलताओं में ब्रह्म की सफलता, सब विजय में ब्रह्म की विजय, सब उपलब्धियों में ब्रह्म की ही उपलब्धि, सब सत्ता में ब्रह्म ही की सत्ता, प्रभु तो ही तो, तू ही तो। तो फिर प्रश्न शेष नहीं रह जाता है कि स्मृतियां आ जाती है, जो भी स्मृति आई सब स्मृतियों में ब्रह्म की ही स्मृति, सब प्रीतियों में ब्रह्म ही की प्रीति, प्रभु तू ही तो, तू ही तो। कोई भी स्मृति आए सब में एक ही प्रभु का आधार, सब जगह भगवान ही को बैठा दो, वही बैठे हुए हैं, है ही वो, बस उसको अनुभव करना है। जो सदा था सदा है और सदा रहेगा वो तो सदा ही प्राप्त है, मुक्ति सदा प्राप्त है, हम सदा ही मुक्त हैं। बंधन को तो हमने आरोपित किया हुआ है, ओढ़ा हुआ है, ऐसे परमात्मा का विश्वमय और विश्वातीत रूप में प्रभु इस पूरे अस्तित्व में आप ही प्रकट रूप में हो, आप ही प्रत्यक्ष हो, और इस प्रत्यक्ष के पीछे आप ही परोक्ष हो, व्यक्त के पीछे आप ही अव्यक्त हो, मूर्त के पीछे आप ही अमूर्त हो, इस सगुण साकार के पीछे आप ही निर्गुण निराकार हो। प्रभु मैं आपकी शरण, दोनों हाथों को उठाना, आपस में करना, दोनों हाथों की गर्व ऊर्जा को उष्मा करना, तो श्वासों के साथ आपको ध्यान करना सिखाया। श्वासों के साथ मैंने कहा किसमें उतरना, अपने स्वरूप में, और आत्मा का आधार तो परमात्मा है, फिर उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना करते हुए धारणा ध्यान समाधि संयम प्राज्ञालोक पूर्वक भगवान के किस रूप में दर्शन करना, विश्वमय और विश्वातीत रूप में, बस ये। और इसका दिन भर अभ्यास करो कि मूर्त में भी प्रभु आप हो, अमूर्त भी आप ही हो, प्रत्यक्ष भी आप हो, परोक्ष भी आप हो, व्यक्त आप हो, अव्यक्त आप हो, सगुण साकार निर्गुण निराकार प्रभु आप ही हो, ज्ञात भी आप हो, अज्ञात भी आप हो, यही जीवन की यात्रा है, यही साधना है। तो अब पैरों को सामने खोल लेंगे, ये एक चरण हमारा पूरा हुआ।
ध्यान भी हो गया और मोटापा के लिए योगाभ्यास भी हो गया, और इसके साथ साथ मैंने कई संदर्भ रखे, क्योंकि योग विद्या साधारण विद्या नहीं है। इस योग विद्या में आपको पूरी दीक्षा देने के लिए यहाँ पर बुलाया है। वैसे तो गुरु के सानिध्य में तुम 3 दिन भी ठीक से रह लो तो तुम्हारा दूसरा जन्म हो जाता है। आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणम कृणते गर्भमंता तम रात्रि उदरे विभर्ति तम जातम दृष्टुम अभिसंयन्ति देव। जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको बोला जाता है ज्ञान दीक्षा। क्या बोलते हैं बोलो? ज्ञान दीक्षा, या ये बोलो योग दीक्षा। जो मैं योग सिखा रहा हूँ उसको जीना है, जीना दीक्षा है। ज्ञान दीक्षा, जानना और जीना, ज्ञान दीक्षा, योग की ज्ञान दीक्षा देने के लिए आपको यहाँ पर बुलाया है। बस आप भी मत समझो कि स्वामी जी हम तो साधारण गृहस्थी हैं, सामान्य परिवार है, खेती बाड़ी है, छोटा सा व्यापार है, छोटी सी नौकरी है, हम तो हाउस वाइफ हैं। ये तो हाउस वाइफ होते हैं, ये कोई हाउस हस्बैंड भी होंगे, पता नहीं कैसे कैसे शब्द हैं। अब घर की पत्नी क्या होता है? बोले हम घर में रहते हैं, इसका मतलब कोई बिजनेस करने नहीं जाते। तो घर में वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। तुम घर में रह करके भी राम कृष्ण गौतम कणाद जमिनी पाणिनी पतंजलि महर्षि दयानंद जैसी, और कुछ नहीं तो आचार्य बाक्षण जी जैसी और स्वामी रामदेव जैसी संतान पैदा कर सकती हूँ। मेरी माँ तो अनपढ़ थी बिल्कुल, वो तो यदि तुम हाउसवाइफ हो घर में रहती हो तो मेरी माँ तो जो है वो फार्मर वाइफ है, खेत में रहने वाली पत्नी थी अपने पति की, मीन्स खेती में काम करती थी, खेती बाड़ी करते ही भगवान से प्रार्थना की कि भगवान हमको अच्छी संतान देना और अच्छे संस्कार दिए, तो बस हो गए हम तैयार। तो तुम सब कुछ कर सकते हो, बस अपने आप में पवित्र रहो। तो आप अपने आप को कभी दीनहीन दुखी दरिद्र मत मानना। मुझे बहुत उस समय दया आती है जब कोई अपने आप को दीनहीन दुखी दरिद्र मानता है और उठना ही नहीं चाहता, बस गिरते ही रहते हैं। भगवान कहते हैं हे मनुष्य, मैंने तुझे नीचे गिरने के लिए नहीं बनाया, ऊंचा उठने के लिए बनाया है, और सब तरह का सौभाग्य देकर के तुझे धरती पर जन्म दिया है। उद्यानम ते पुरुषनाभ्यानम। चलो अब बैठ जाओ वज्रासन में, अब अगले चरण में ले चलते हैं आपको। तो आपको अभी हम मधुमेह के लिए योग करवाएंगे, माने पेट और पैनक्रियाज के लिए एक्सरसाइजेज होगी, 5 बैठ के फिर 5 लेट के। फिर और अगला चरण होगा अंगूठा अंदर उंगलियों पर मुट्ठियां बंद, मधुमेह के लिए योगाभ्यास। पहले ही दिन से मैं कहता हूँ मधुमेह नियंत्रित हो जाता है और कुछ दिन योगाभ्यास करने से मधुमेह क्योर हो जाता है। क्या हो जाता है बोलो? क्योर, ये है बड़ी बात। हाँ, अब वापस आना है, जल्दी वापस नहीं आना है। कितनी देर करना? कम से कम आधा से 1 मिनट तो पूरा लाभ होगा। तो भी तो पैनक्रियास की बीटा सेल्स जो डीजनरेट हो गए तो वो रीजनरेट होंगे ना। 4 योग के मैंने बड़े लाभ बताए थे। पहला क्या लाभ बताया था बोलो? क्या शब्द बोला था? संतुलन। क्या बोला था बोलो? दूसरा जागरण। दूसरा क्या बोला था? तीसरा पुनर्जीवन, और चौथा पूर्णता। योग से सभी केमिकल सांस हार्मोन्स का, बॉडी माइंड थॉट्स का, वात पित्त कफ का, सब चीज़ों का संतुलन होता है, बैलेंस होता है। दूसरा सुप्त शक्तियों का, सुप्त ज्ञान का जागरण होता है। डीजर्नेट वे सेल्स पेनक्रियाज के, लीवर के, किडनी के, हार्ट के, लंग के,
ब्रेन के, आंखों के, स्किन के, बोन्स के डीजनरेट वे सेल्स ऑर्गेन्स क्या हो जाते हैं? रीजनरेट, और अंततः पूर्णता की प्राप्ति, अशुभ की पूरी समाप्ति। ये एक अभ्यास। पर दूसरा से ये अब जो भी योग की प्रक्रियाएं है ना, इसको ठीक से करना है। पेन के आज के रीजनरेट वे सेल्स रीजनरेट हो जाएंगे। इसे मैं कहता हूं 99% आपको हम दवाइयों से मुक्ति दिला देते, रोगों को पूरा मिटा देते, क्योर करते हम बीमारियों को। बीपी क्योर, शुगर क्योर, थायराइड क्योर, हार्ट की प्रॉब्लम क्योर, अर्थराइटिस क्योर, SLMS, ऑटोमन डिजीज, कैंसर क्योर, माइग्रेन पेन, डिप्रेशन, पार्किंसन, पैरालिसिस क्योर। फिर वापस आ गए, ऐसे आधा मिनट रुकना, पूरा पेट, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, पूरा ये जो पाचन तंत्र है ना, ये पूरा ठीक हो जाता है। आधा से एक मिनट तक रुकना है, फिर देखो आगे रुकिए ना, ऐसे ऐसे इसको ऐसे ऐसे करना, तो पूरा आकुंचन प्रसारण होता है, पूरे एक्टिव हो जाते हैं सारे अंदर के एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन पूरा एक्टिव हो जाते हैं। अब तो जल्दी वापस आ जाते हैं, ये ठीक नहीं, रुकना, तब पूरा लाभ होगा। अगर आपको करते करते महसूस होगा अभी पेट गड़बड़ था, तो अभी पेट अच्छा हो जाएगा, अभी डायबिटीज कंट्रोल। मैं तो कहता हूं ना, योग का इंस्टेंट बेनिफिट होता है। अभी मिर्ची खाओ तो अभी तीखी लगती है या कई दिनों बाद? उसी समय लगती है ना। जब मिर्ची तुरंत खाने से मिर्ची का तुरंत पता लग जाता है, तो क्या मिर्ची जैसा भी नहीं है योग? मिर्ची खाते ही लगती है, गुड़ खाते ही पता लगता है मीठा है, नीम खाते ही पता लगता है कि आज नीम खाओ और कल पता लगे कि कड़वा होता है। योग का तात्कालिक लाभ भी होता है, दीर्घकालिक लाभ भी होता है। ये एक अभ्यास हुआ, ऐसे दूसरा अभ्यास, कपाल भाती, अनुलोम विलोम तो करना ही है डायबिटीज में। ये एक भी कर लिया ना ठीक से, मंडूक आसन या योग मुद्रा आसन, या उससे भी लाभ होगा। बाकी तो फिर इसके डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस, शुगर, शुगर के कॉम्प्लिकेशंस, बीपी, बीपी के कॉम्प्लिकेशंस, थायराइड, थायराइड के कॉम्प्लिकेशंस, ओबिसिटी, ओबिसिटी का कॉम्प्लिकेशंस, एक बीमारी के फिर उपद्रव होते हैं, उसको कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं। उस बीमारी के कारण से और सैकड़ों बीमारियां पैदा हो जाती हैं, एक दवाई देते हैं उसके साइड इफेक्ट से और बीमारियां पैदा हो जाती हैं, तो एक ऐसा चक्रव्यूह में पड़ जाता है, उससे बाहर निकालने का एक ही माध्यम योग है। दोनों हाथों पर उठाइए, योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाइए। कोनिया माता जमीन पर थोड़ी देर रुकेगी, आप
हाथ ऊपर और फिर दोनों हाथ पार्श्व भागों से नीचे। एक एक अभ्यास को दो तीन बार से लेकर के 5-10 बार भी किया जा सकता है। ज्यादा डायबिटीज है तो 5-10-15 बार तक कर सकते हैं।